क्रिकेट के दीवानों के लिए एक बेहद ही खुशी वाली खबर सामने आ रही है। आईपीएल 2022 जो कि अपने अंतिम चरम पर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आईपीएल 2022 के संपन्न के बाद टी20 क्रिकेट दर्शकों से दूर नहीं रहने वाला है। आईपीएल के फॉर्मेट के तुरंत बाद ही एक बहुत बड़े सीरीज का अनाउंसमेंट कर दिया है, जहां टीम इंडिया अब एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप से पहले इन दो टीमों के साथ में बहुत बड़े मुकाबले खेलने वाली है। जी हां, आईपीएल के तुरंत बाद में एक्शंस में देखेंगी टीम इंडिया, वो टीम इंडिया जो रोहित की अगुवाई में अब तक एक भी टी20 मैच नहीं हारी है। तो जी हां, टीम इंडिया का इस देश के साथ में यानी कि साउथ अफ्रीका के साथ में हो चुका है स्केड्यूल का अनाउंसमेंट। न केवल साउथ अफ्रीका बल्कि उसके बाद में भी किन टीमों के साथ में टीम इंडिया का स्केड्यूल रहने वाला है, क्या वेन्यू रहेंगे, क्या डेट्स रहेंगे, हम आपको सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को यहां से ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चूंकि बात तो आप हम सभी जानते हैं कि आईपीएल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आईपीएल का फाइनल मुकाबला 29 मई को होगा और चूंकि बात तो आप हम सभी जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन ठीक इससे पहले टीम इंडिया कुछ बड़े दौरे करने वाली है, जहां टीम इंडिया तैयारी करेंगी एशिया कप की, जहां टीम इंडिया तैयारी करेंगी टी20 वर्ल्ड कप की, और इस देश के साथ में बहुत बड़ी भिड़ंत टीम इंडिया की दिखने वाली है। आइए एक एक करके जानते हैं एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया के किन देशों के साथ में सीरीज है, और उसके बाद हम आपको एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल भी बताने वाले हैं, वो किस डेट के साथ में शुरू हो रहे हैं, सब कुछ पूरा आईपीएल के बाद में टीम इंडिया का शेड्यूल क्या है सब कुछ बताएंगे। आइए एक एक करके जानते हैं। 9 जून से इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज शुरू हो जाएंगी और ये सीरीज टी20 मैचों की सीरीज होंगी। जी हां, 5 मैचों की टी20 सीरीज अपने इंडिया घरेलू मैदान पर ही खेलेंगी। 9 जून से पहला मुकाबला, 12, 14, 17 और 19 जून को क्रमशः 5 मुकाबले खेले जाएंगे और इसके बाद भी टीम इंडिया एक्शंस में दिखाई देंगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है इंडिया की बी टीम आयरलैंड से भिड़ेंगी, जो कि 26 जून और 28 जून को मैच होंगे। यानी कि जून का महीना टीम इंडिया साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के साथ में गुजारेंगी, लेकिन जुलाई का महीना इंग्लैंड के साथ में शुरू होगा। 1 से 5 तारीख को वो जो बचा हुआ टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला था वो खेला जाएगा, लेकिन 7 जुलाई से होगा 3 टी20 मैचों की शुरुआत, 7, 9 और 10 जुलाई को खेली जाएंगी। लेकिन देखा जाए तो 12, 14 और 17 जुलाई को मैचों की वनडे सीरीज इंग्लैंड के साथ में खेली जाएंगी। अब तक तो ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट इन्हीं का हुआ है, लेकिन इसके बाद 23 अक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, लेकिन जुलाई और अक्टूबर के बीच में कुछ गैप पड़ता है, वहां पर टीम इंडिया खेलेंगी एशिया कप। एशिया कप का क्या स्केड्यूल, आइए पहले जानते हैं। 2022 एशिया कप विल बी बिगिन ऑन सैटरडे 27 अगस्त। जी हां, 27 अगस्त को ये एशिया कप शुरू होगा, जो कि 11 सितंबर तक खेला जाएगा। ठीक बाद में 23 अक्टूबर से होगा टी20 वर्ल्ड कप का आगाज, जहां पर टीम इंडिया 23 अक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान के साथ में बढ़ेंगी। 30 अक्टूबर को इंडिया साउथ अफ्रीका और 2 नवंबर को इंडिया बांग्लादेश का मैच भी होगा। और यह था टीम इंडिया का स्केड्यूल जो आईपीएल के बाद में होगा। इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।